नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नी में जो घुटने में क्रैकलिंग साउंड आती है, आवाज़ आती है कट कट की, उसके बारे में बता रहा हूँ। होम्योपैथी में कैसे उसको ट्रीट कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल कभी फेल ना होने वाला फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताऊँगा। मैक्सिमम मेरे बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूले हैं जो मेरी प्रैक्टिस के है उसके अकॉर्डिंग मैं बताता हूँ। थेरेपेटिक्स प्रैक्टिस में मैक्सिमम करता हूँ, क्लासिकल चीज़ें भी है कुछ, लेकिन थेरेपेटिक्स भी बहुत कामयाब चीज़ें हैं होम्योपैथी में। आप लोग उस पर जो फॉर्मूला है उसको देखिए, यूज़ करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नी में जो जो आवाज़ है वो मोस्टली जब कोई डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलता है, नी में गैप की कोई प्रॉब्लम हो जाती है, गैप कम हो जाने की वजह से, जो बहुत सारे कारण हैं, अर्थराइटिस सबसे बड़ा कारण है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसमें हड्डियाँ घिसने लगती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा गाउट में भी कई बार यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से भी घुटनों में आवाज़ आने लगती है, या कभी कोई इंजरी हुई हो, कभी कोई चोट लगी हो, उसकी वजह से भी घुटनों में काफ़ी जो आवाज़ की ये सिचुएशन है ये देखने को मिलती है। इसके अलावा स्पोर्ट इंजरी वाले पेशेंट रहते हैं, ओवर यूज़ करने वाले जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं खड़े होके, और दूसरा बहुत ज़्यादा प्रेशर जिनके नी पे रहते हैं, जैसे ड्राइवर लोग हो गए, बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाने वाले, उनके घुटनों से भी काफ़ी आवाज़ जो है आती है और बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हालांकि ये फीमेल में ज़्यादा प्रोन है, ओवरवेट होने की वजह से ज़्यादातर फीमेल हमारे कंट्री में ओवरवेट होती जा रही है, खासकर वर्किंग वीमेंस जो हैं, वैसे भी ओवरवेट ज़्यादा बढ़ना इसका एक बहुत बड़े कारण में से ही माना जाता है। होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है, बहुत अच्छे से हम लोग इसको ट्रीट कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। इससे ना केवल आवाज़ कम होगी, इवन जो पेन रहता है नी में, जो घर्षण से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गया है, गर्माहट रहती है उसको भी ये ठीक करता है, सूजन आ गई है उसको भी ये ठीक करेगा। इसमें मैं आपको बहुत अच्छी एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ जिसको आप लोग यूज़ करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से। इससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से करूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को एक बार सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बराबर में जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। तो ट्रीटमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें एक रेमेडी लेनी है, कोस्टिकम। कोस्टिकम वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है, जिसका ये स्पेसिफिक सिम्टम भी है कि अगर घुटनों से क्रैकलिंग साउंड आती है और बहुत स्टिफनेस है, बहुत जकड़न है घुटनों में, थोड़ी देर बैठने के बाद, लेटने के बाद इतनी जकड़न हो जाती है, बहुत ज़्यादा लेटा हुआ है पेशेंट, वो अपने पैर सीधे नहीं कर सकता, सीधा है तो वो मोड़ नहीं सकता अपने घुटनों को, इतनी जकड़न रहती है, उसको कोस्टिकम ठीक करती है। कोस्टिकम को लेना है फॉर्मूले में 30 पोटेंसी में लेना है। दूसरी रेमेडी है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना जो बर्साइटिस जैसे सिचुएशन है और जो इन्फ्लामेशन है, जो पेन है उसको ठीक करती है, जो वहाँ पे एक तरीके का घर्षण हो रहा है उसको भी आराम देती है, कोई चोट लगी है इंजरी की भी अच्छी रेमेडी है। वैसे भी जब आपस में घुटने टकराने लगते हैं तो इंजरी तो वहाँ पे रहती ही है। तीसरी जो रेमेडी इसमें इम्पोर्टेंटली लेनी है वो है रस्टोक्स। रस्टोक्स को भी 30 पोटेंसी में लेंगे, आर्निका को भी 30 पोटेंसी में लेंगे। रस्टोक्स बहुत अच्छा पेन किलर भी है, ऐसे लोगों को खासकर जब पेन रहता है तो पेन जो है रेस्ट करने से पेन जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, जब धीरे धीरे चलता है पूरे दिन, थोड़ी गर्माहट नी में आती है तो पेन थोड़ा ठीक हो जाता है, इसके लिए हम रस्टोक्स लेंगे। रस्टोक्स भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। तीन रेमेडी हमारी ये हो गई। फोर्थ रेमेडी है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका कोई स्पेसिफिक टाइप का एक्यूमुलेशन, फ्लूड का जमा होना हो गया हो, या सूजन हो बहुत ज़्यादा, गर्माहट हो घुटने में, उस पर काम करता है। एपिस को भी 30 पोटेंसी में इस फॉर्मूले में हम लेंगे। नेक्स्ट रेमेडी है लीडम। लीडम पाल ये भी बहुत अच्छा रेमेडी है, प्लांट बेस्ड रेमेडी है, पौधे से ये रेमेडी जो है बनती है। नी पेन का बहुत अच्छा पौधा है ये, बहुत अच्छा इफेक्ट इसके रहते हैं, खासकर घुटनों में सूजन रहे, घुटनों में लाली रहे, रेडनेस दिखे, सूजन लगे और पेन काफ़ी ज़्यादा रहे, जो कई बार पेन रेडिएट भी करता है, एक जगह से दूसरी जगह भी पेन जाता है, ऐसे भी इसको ये जो 30 पोटेंसी में इसको लेना है। जो लास्ट रेमेडी है वो है गुआकम। गुआकम को भी 30 पोटेंसी में लेना है। गुआकम भी नी में टूट फूट को ठीक करता है, नी में सूजन को ठीक करता है, दर्द का बहुत अच्छा पेन किलर है। इस तरीके से ये सभी रेमेडी को हम आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करके जो है इसकी लगभग 7 से 8 बूंदे दिन में 3 बार आधे कप पानी में डाल के हम लेंगे। हम देखेंगे बहुत जल्दी ही साउंड आना जो नी से है वो बंद हो जाएगी,
और दूसरा जो नी में दर्द होता है, पेन होता है, जो स्टिफनेस है, जो जकड़न है, वो भी हमेशा के लिए ठीक होती चली जाएगी। ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, ओवर यूज से बचना है, बहुत ज़्यादा खड़े होने से हमें इसमें बचते रहना है, ये ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखेंगे, और थोड़ा सा एक सप्लीमेंट है जिसको हम मखाने जो होते हैं, ड्राई फ्रूट है मखाना, उसको लेना स्टार्ट करेंगे। थोड़े से मखाने हल्के से रोस्ट करके बिना घी या तेल के ऐसे ही गर्म करके उनको एक मुट्ठी भर मखाने रोज़ खाएंगे। इससे भी क्रैकलिंग साउंड जो बोन की ऑस्टियोक्लास्ट ऑस्टियोब्लास्ट का प्रोसेस है उसको मैनेज करती है। तो ये हमारा नी से क्रैकलिंग साउंड आती है, उसको होम्योपैथी में कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ में काम करती है, यहाँ पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। इस रेमेडी को आप बड़े आराम से 1 से 2 महीने तक ले सकते हैं पूरे कॉम्बिनेशन को, और दो वैसे तो 15 दिन में ये ठीक कर देगा, लेकिन 2 महीने लगातार लेने से काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती है। जो ओवरवेट है उनको थोड़ा सा वेट पे ध्यान जरूर देना होगा, वो अपना डाइट प्लान करके या कैसे भी अपने वेट को जरूर रिड्यूस करें। 5-7 किलो वेट रिड्यूस हो जाएगा तो और अच्छे रिजल्ट आप लोगों को मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो नी पेन का, और नी से जो क्रैकलिंग साउंड आती है, नी से जो आवाज़ आती है कटकट की, उसको होम्योपैथी के फॉर्मूले से कैसे ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।